मामला है? देखिए, मैं द सिग्नोलिन सीट ऑफ नर्सिंग कॉलेज बैढ़न जिला सिग्नोलिन से हूँ। मेरा मामला ये है कि हम लोग का 2023 में एडमिशन लिया गया था और अब बोला जा रहा है कि 2024 से आप लोग का न्यू एडमिशन फिर से लिया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। पहले एंट्रेंस एग्जाम आप लोग निकालिए, इसके बाद आप लोग का न्यू मतलब एडमिशन होगा, न्यू एडमिशन। ठीक है, आप लोग का जो रिजल्ट मिलेगा 2024 सेशन से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट होगी। इस तरह से हम लोग का कॉलेज द्वारा बोला जा रहा है। अगर हम लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और हम लोग का अच्छी रैंकिंग आती है, अच्छे नंबर हम लोग लाते हैं, अगर हम लोग के गवर्नमेंट कॉलेज या अदर कोई भी कॉलेज में अगर हम लोग जाते हैं, कोई भी कॉलेज सेलेक्शन होती है, अगर किसी हम अपना कॉलेज छोड़कर किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को फी रिटर्न नहीं करी जाएगी, फी रिटर्न नहीं, फी रिफंड हम लोग का नहीं मिलेगी। आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? ऐसा सिचुएशन इसलिए बनी कि हम लोग को 2023 में ही एडमिशन ले लिया गया है और हम लोग एक साल हम पढ़ चुके हैं और फिर से हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बोला। क्या वजह, क्या क्या वहाँ मान्यता नहीं थी? मान्यता देखिए, कॉलेज का मान्यता है कि नहीं है तो मेरे को खुद कंफर्म तो नहीं है। सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी न्यू एडमिशन लिया था 2023 में। ठीक है, कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? हम लोग 65 हम लोग टोटल अपने क्लास। कितनी फीस ली गई एक बच्चे से? फीस हम लोग का 65,000 हर स्टूडेंट से लिया गया। अभी कलेक्टर से मिले हो, क्या बात हुई है? कलेक्टर साहब बोलेंगे ठीक है, हम आप लोग का कॉलेज में जाएंगे और फिर जाँच कराई जाएगी। उस कॉलेज में अभी कितने स्टूडेंट होंगे टोटल? टोटल होंगे 350 प्लस होंगे। Yes, सभी के साथ ऐसा ही किया? नहीं, सभी के साथ नहीं, सिर्फ 2023 में जो हम लोग न्यू बैच वाले हैं, 2023 में जो हम लोग के साथ एडमिशन लिया गया है, सिर्फ हम लोग का मामला है। बाकी जो सीनियर लोग का है, उन लोग का जैसे चल रहा है, एग्जाम तो लेट हो रहा है, वो अलग की बात है। एग्जाम जो लेट हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उन लोग का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने के लिए बोला जा रहा है। जो सिर्फ 2023 में एडमिशन लिया गया है उन लोग के लिए मतलब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बोला। छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुई? यस सर, हम लोग के साथ तो धोखाधड़ी हो ही जा रहा है। अगर हम लोग अगर इस कॉलेज छोड़ के अगर किसी भी सिलेक्शन अगर किसी भी कॉलेज से हो जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम अभी अच्छे रैंक पे आते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, हम लोग इस कॉलेज छोड़ के अगर किसी भी कॉलेज में हम चूज किया जा रहे हैं, वहाँ पे अगर जा रहे हैं तो हमारी फी रिफंड नहीं मिलेगी, नहीं की जाएगी, इस तरह से बोला जाता है। कौन सा कोर्स है? जी एन एम नर्सिंग है। कितने दूर दूर से आते हैं हम? देखिए, हम लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं, हम तो शक्तिनगर से आते हैं, हमारा यहाँ से कॉलेज से हमारा 10 किलोमीटर दूर घर है, और भी सारे क्लासमेट हमारे सब आते हैं, सब 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। ओके, थैंक यू।